Welcome students in second session from your textbook, chapter number 10, reaching the eyes of adolescence. Today we will continue this chapter. In last session, we studied about the different stages of life, puberty stage, and their changes, the male and female body. Okay. So today we are going to discuss about the secondary sexual characters. Okay. So, what is the mean of secondary sexual characters? That features help to distinguish the male. फ्रॉम द फीमेल दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर मीन्स वो फीचर्स वो कैरेक्टरिस्टिक जो मेल को फीमेल से डिफरेंट uh, बताते है सो दट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स दीज आर कंट्रोल्ड बाय सेक्स हार्मोन्स ओके मीन्स जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स है वो किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं सेक्स हार्मोन्स के थ्रू ओके सो दे आर सर्टन कैरेक्टर्स बाय विच मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंग सो सर्टन कैरेक्टर Uh, with the help of that, male and female distinguish okay. First, in boys, beard, mustache develop, facial uh, hair grow, deep voice, shoulder becomes broad, height is increased. So, like this, changes are there okay. So, hair grow under armids and in pubic region, genital area between the thigh. Okay, hair also grow on the other parts. ऑफ द बॉडी लाइक चेस्ट एंड फेसरा सो बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर तो बॉडी कैसी हो जाती है मोर मस्कुलर मीन्स उनके अच्छे से मसल्स डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स ओके वॉइस डिपेंड्स मीन्स डीप वॉइस हो जाती है उनकी और क्रैक्स चेस्ट एंड शोल्डर्स ब्रॉडर्न ओके एंड द पेनीस एंड टेस्टिज बिकम लार्जर जो उनकी पेनीस और टेस्टिज है वो लार्जर हो जाती है शोल्डर चेस्ट ब्रॉड हो जाते हैं सो द टेस्टीज स्टार्ट टू मेक स्पम ओके टेस्टीज स्पम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है एंड फीलिंग एंड सेक्शुअल ड्राइव एसोसिएटेड विथ द अडल्टुड बिगिन्स टू डेवलप एंड फीलिंग मीन्स उनमें सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की फीलिंग डेवलप हो जाती है ओके इन विद अडल्टुड बिगिन टू डेवलप सो ऑल दीज चेंजेस इन बॉयज आर ब्रॉड बाय द मेल्स एक्स हार्मोन दैट इज टेस्टिस्टर ऑन मेड इन

so that the various changes are there in that the hair grow under armpit and uh, that pubic region okay. gland or uh, that mammary gland develop and enlarge okay the uh, the hips broaden uh, extra fat is deposited in various parts of the body like hips and thigh okay and fallopian tubes uterus and vagina enlarge so that are the reproductive part means uh, puri tarah a develop ho jata hai. ovaries start to release eggs so menstruation means monthly period is start uh, filling and that sexual drive associated with adulthood begin to डेवलप सेक्शुअलिटी की फीलिंग क्रिएट हो जाती है ऑल दिस चेंजेस इन गर्ल्स आर ब्रॉट अबाउट बाय द फीमेल एक्स हार्मोन रजिस्टर ऑन मेड इन ओवरिसके सो दस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिटर्न एज स्पोकन एज एस्ट्रोजन ओके दस्ट ग्लैंड इट इज फार्म बाय द ग्रुप ऑफ सेल्स मीन ग्लैंड इज ए स्ट्रक्चर विच सीक्रेट अ स्पेसिफिक सबस्टन्स और सब्सट इन द बॉडी ग्लैंड इज मैडम ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू ओके मीनस ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ टिश्यू से है और दीज आर टू टाइप्स एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्रेंड्स ओके सो वॉट इज द मीन ऑफ एक्जोक्राइन ग्रैंड विच है प्रोड्यूस एंड जेम्स ओके ग्लैंड विच सीक्रेट इट्स प्रोडक्ट इन टू अ डक्ट मीन जो डक में अपने प्रोडक्ट को सीक्रेट करती हूँ और ट्यू इज कॉल्ड एन एक्जोक्राइन ग्लैंड फॉर एग्जाम्पल द सलाइवरी ग्लैंड

जो विदाउट डक्ट रहती है और वो क्या सीक्रेट करती है हार्मोन्स ओके ग्लेन विस डज नॉट हैव डक्ट्स उसमें डक्ट नहीं रहती एंड सीक्रेट इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम तो अब फिर अब इसके पास डक तो है नहीं तो वो अपना तो वो अपने प्रोडक्ट किसमें डायरेक्टली सीक्रेट करती है इन टू द ब्लड स्ट्रीम ओके डायरेक्टली ब्लड में सो इज कॉल्ड एन एंडोक्राइन ग्लैंड क्लियर दिस वन सो दस एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक ग्लैंड ट अ केमिकल सबस्ट दैट इज कॉल्ड द हार्मो और वो क्या सीक्रेट करती है हार्मो ओके सो अस्ट्रक्चर और ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू विच मेक्स हार्मोन इन द बॉडी इज कॉल्ड एन एंडोक्राइन ग्लैंड क्लियर दिस वन आपको इसका डिटेल में स्टडी आपको फर्दर क्लासेस में मिलेगा बट सिंपली दैट द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द्यूमन बॉडी ओके द एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैल्सो कॉल्ड डकलेस ग्लैंड एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मो डायरेक्टली इन टू द ब्लड ऑफ ए पर्सन सो दीज हार्मोन रीच द कंसर्न बॉडी पार्ट फिर जो भी उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट है तो उसमें ब्लड के थ्रू हार्मोन्स मीन्स वहां पे भेजे जाते हैं ओके सो द हार्मोन्स दीज हार्मोन रीच द कंसर्न बॉडी पार्ट थ्रू द ब्लड एंड एक्ट ऑन इट और फिर वहां पे वो एक्शन करते हैं ओके सो हार्मोन्स आर ए काइंड ऑफ केमिकल मैसेंजर तो ये हार्मोन्स क्या इट इज अ वन काइंड ऑफ केमिकल मैसेंजर ओके सो हार्मोन इज प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी बट इट एक्ट्स ऑन सम अदर समार्ट ऑफ द बॉडी मीन्स वो बॉडी के एक पार्ट में प्रोड्यूस होते बट दूसरे पार्ट में वो उसका फंक्शन भी परफॉर्म करते ओके सो द हार्मोन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन क्लियर दिस वन सम ऑफ द ग्लैंड्स इन अवर बॉडी हैव बोथ एक्सोक्राइन एंड एंड्राइन फंक्शन मीन्स अपनी बॉडी में कुछ जो ग्लैंड है वो दोनों हो रहती है एक्जोग्राइन के भी फंक्शन परफॉर्म करती है एंडोग्राइन के भी सो फॉर एग्जाम्पल द पैंक्रियास टेस्टीज एंड ओवरी आर सच ग्लैंड मीन्स दोज परफॉर्म एक्सोक्राइन एंडोक्राइन फंक्शन बोथ क्लियर दिस नेक्स्ट इज हार्मोन्स ऑलरेडी स्टडीड हियर सब्सटेंस हार्मोल इन वेरी स्मॉल वो कम अमाउंट में सिक्रेट होते बाय स्पेसलाइज टिश्यू इन द बॉडी कॉल दैट एंडोक्राइन ग्लैंड सो दीज हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम एंड ऑल्सो दे आर ग्रोथ ओके सो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटंस हार्मोन्स आर द

द टारगेट ऑर्गन थ्रू ब्लड और ब्लड के थ्रू टारगेट तो टारेगन के पास जाते हैं एंड आर इन वेरी स्मॉल और वहां जाके वो सीक्रेट अमाउंट ओके फिर जो उनका जो उनका पर्टिकुलर जो फंक्शन रहता है उससे रिलेटेड वो परफॉर्म करते हैं क्लियर दिस वन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मो आर देर फर्स्ट द दार्मोन्स आर सीटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड सेकेंड द हार्मो आर पोअर्ड डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम मीन डायरेक्टली किसमें में पोअर्ड होंगे ब्लड में पोवर्ड होते हैं ओके एंड कैरीड आउट थ्रू आउट द बॉडी बाय द ब्लड सर्कुलेटरी सर्कुलेटेड ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते थर्ड द हार्मोन्स हैव देयर इफेक्ट एट द साइट डिफरेंट फ्रॉम द साइड वेयर दे आर मेड मीन सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर इसलिए उन्हें क्या कहते हैं केमिकल मैसेंजर क्योंकि वो एक पार्ट पे ओके हार्मोन इज प्रोड्यूस इन वन पार्ट क्योंकि वो एक पार्ट पे प्रोड्यूस होते हैं बट एक अनादर पार्ट ऑफ द बॉडी पर वो बॉडी के दूसरे पार्ट में एक्शन परफॉर्म करते क्लियर दिस मीन दैट्स वाईट इज कॉल्ड केमिकल मैसेजर ऑफ द बॉडी एंड नेक्स्ट द हार्मोन एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन कॉल दार्गेट ऑर्गन हार्मोन कोर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो इट इट्स डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड ओके इन अवर बॉडी देर इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ एंड ग्लैंड आर प्रेजेंट और इसे एंडोक्राइन सिस्टम को आप हार्मोनल सिस्टम भी कह सकते हो सो देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एंड्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी द एंड्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी आर पेडुटरी ग्लैंड पैंक्रियास थारॉइड ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड ये एड्रीनल ग्रैंड मीन्स इट इज रिलेटेड टू किडनी ओके ओवरीज एंड टेस्टीज सो ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टीज इन मेन द पोजिशन ऑफ ऑल दीज एंड्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी आर शोन इन दैट फिगर फर्स्ट इज ए पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लेन इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन ये कहाँ प्रेजेंट रहती है जस्ट बिलो द ब्रेन एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रिएट ए नंबर ऑफ हार्मोन ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती है वन ऑफ द हार्मोन सिक्रिएटेड बाई पेटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन ऑन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मतलब इसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं जिससे मन की ग्रोथ पे इफेक्ट होता है सो द ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स मसल बोन्स और मसल्स को कंट्रोल करता है ओके पर्सन हैविंग अ डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिमेन्स वेरी शॉर्ट मीन्स अगर वो बचपन से अगर उसकी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द पेड्यूटरी तो वो, वो शॉर्ट रह जाता है एंड बिकम्स ए डॉप फिर आप उनको डॉप में जो बोने लोग के, जिन्हें कहते हैं आप वैसा रह जाता है ओके ऑन अदर हैंड अ पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन बिकम्स वेरी टॉल बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है बाय द पिट्यूटरी ग्रैंड तो पर्सन बहुत ज्यादा टॉल हो जाता है ओके सो दैट इज और एक कॉल जायंट और उसे क्या कहते हैं जायंट कहते हैं ओके okay? and this pituitary gland is uh, also called master gland it is called the master gland because it controls and coordinates all the function of our body so that's why it is called the master gland now next one is thyroid gland thyroid gland is attached to the windpipe in our body so where it is is the windpipe of our body सो थायराइड ग्लैंड मेक्स ए हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन तो ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है थायरोक्सिन था कंटेन आयोडीन तो उसमें क्या रहता है आयोडिन द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबोलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेटेड मेटाबोलिज्म का मीनिंग क्या होता है आपको पता है सिंथेसाइज एंड ब्रेकडॉन मीन उसमें चीजें बनती भी है और ब्रेकडोन भी होती है ओके ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन इन अवर बॉडी नेसेसरी मिनरल फॉर द मेकिंग ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन देयर फॉर अ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट कैन कॉज अ डिफिशियंसी ऑफ थी इन द बॉडी फिर अगर आयोडिन की कमी से uh, होता है तो फिर थायरोक्सिन हार्मोन की भी डिफिशियंसी तो हो जाती है सो द डिफिशियंसी ऑफ आयोडिन इन द डाइट ऑफ ए पर्सन प्रोड्यूसेस लेस थायरक्सिन हार्मोन एन कॉजेज अ डिसीज नोन एस ग्वाइटर मीन्स जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो कि उसमें मीन्स uh, Uh, गले में कैसा उभार एक गठान जैसी हो जाती है ओके मीन्स ग्लैंड मीन स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज्यादा तो उसे कहते हैं ग्वाइटर डिसीज कहते हैं क्लियर दिस वन सो द मेन सिम्टम्स ऑफ ग्वाइटर इज दैट द नेक ऑफ पर्सन एपियर टू बी सोलन ड्यू टू इन लार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक मीन्स नेक्स्ट वन पेंक्रियाज ओके सो द देंक्रियाज इज जस्ट बिलो द स्टमक इन द बॉडी मीन्स स्टमक के जस्ट बिलो फाउंड होती है पेंक्रियाज सीक्रेट द हार्मोन कॉल्ड दैट इंसुलिन फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल और ये इंसुलिन का फंक्शन क्या रहता है कि ब्लड शुगर लेवल को लो uh, करता है इन द डिसीज़ नोन एज डायबिटीज तो उसको कौन सा डिसीज कहते हैं डायबिटीज क्लियर दिस वन इज एड्रीनल ग्लैंड ओके सो देर आर टू एड्रीनल ग्लैंड विच आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द टू किडनी आपको मैंने पहले ही बताया की रिनल मीन रिलेटेड टू द किडनी सो इट इज फाउंड

एडीनेरिन हार्मोन इज सिक्रेटेड इन स्मॉल ऑल द टाइम मीनस एडीनरी जो हार्मोन है स्मॉल बट ऑल द टाइम बट इन लार्ज अमाउंट वेन ए पर्सन इज फ्राइटन और एक्साइटेड मीन्स एडिनेल हार्मोन सीटेड इन स्मॉल अमाउंट ऑल द टाइम मीनस स्मॉल अमाउंट में पूरे टाइम सीक्रेट होता है बट इन लार्ज अमाउंट पूरे लार्ज अमाउंट में कब सीक्रेट होने लग जाता है एडिनेर हार्मोन वेन ए पर्सन इज फ्राइटन और एक्साइटेड मीन जब पर्सन मीन्स तेजक हो जाता है सो वेन अमाउंट इट प्रिपेयर अवर बॉडी फॉर एक्शन ओके सो इट स्पीड अप हार्ट बीट एंड हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग रेज इज द ब्लड प्रेशर एंड अलाउ मोर ग्लूकोज टू गो इन टू द ब्लड टू गिव अर्स ए लॉट ऑफ एनर्जी पीकली टू फाइट और ज्यादा से ज्यादा तो ग्लूकोज मीन तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड तो ब्लड में ज़्यादा से ज्यादा तो ग्लूकोज मींस ज़्यादा है तो उससे अपनी बॉडी मिनट ऑफ तो एनर्जी आ जाती है ग्लैंड ऑफ एमरजेंसी तो इसे और कौन सा ग्लैंड कहते हैं ग्लैंड ऑफ एमरजेंसी मीन्स जो भी अपने एज ए फीलिंग मीन्स अपने अंदर बॉडी में जो भी इमोशनल थिंग्स आते हैं तो वो भी इन हार्मोन के के कारण ही आते हैं नेक्स्ट वन इज ओवरीज ओके सो ओवरीज आर द ग्लैंड विच आर प्रेजेंट ओनली इन फीमेल तो ये ग्लैंड जो जो है वो सिर्फ किससे प्रेजेंट रहती है फीमेल में ओके सो ओवरीज में टू फीमेल एंड प्रोजेस्टर ओस्टर्न हार्मोन इज कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल एंड फीमेल फीचर फेमे एंड वॉइस सॉफ्ट स्किन एंड मेमरी ग्लैंड सो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उससे वो क्या कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स जो भी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के उसको कंट्रोल करता है और फीमेल फीचर्स जैसे उनकी वॉइस है उनकी सॉफ्ट स्किन रहती है मेमोरी ग्लैंड रहती है तो उन सबको ये कंट्रोल करता है एज ऑफ टेन टू ट्वेल्व इय यू ऑलरेडी स्टडीड ओके द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टोर हार्मोन इज टू कंट्रोल द यूटेरस चेंजेस इन द मैंस्टोरल साइकिल और जो मैंटोर साइकिल रहती है मंथली पीरियड वो किसके थ्रू कंट्रोल होती है प्रोजेस्टर हार्मोन के थ्रू स ऑफ प्रेगनेसी एंडलैंड ओनली इन मेल्स सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट रहती है टेस्टीज में क्या सीगरेट करती है टेस्टोस्टर हार्मोन सीगरेट करती है द फंक्शन ऑफ टेस्टेस्टोरॉन हार्मोन इज टू कंट्रोल्टोल डेवलपमेंट ऑफ मेल्स एक्स ऑर्गन